सोलन में पानी को लेकर चुनावी जंग आरंभ हो गई है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। भाजपा ने सोलन में उपजी पानी की समस्या को लेकर जहां कांग्रेस को घेरने के लिए प्रदर्शन किया, तो वहीं भाजयुमो ने माल रोड पर पानी का वितरण कर कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे जन विरोधी बताया। वहीं कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष ने इस घटनाक्रम को पॉलिटिकल स्टंट बताया और कहा कि भाजपा अगर जनहितैषी है तो वे माल रोड पर पानी वितरित कर इतिश्री क्यों कर रही है। अगर वे सही मायने में जनता की हितैषी है तो वे उन क्षेत्रों में जाकर पानी के टैंकर क्यों नहीं लगाती जहां वास्तव में पानी की कमी है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में भाजपा का कब्जा है और नगर परिषद सोलन में पानी वितरण नगर परिषद द्वारा ही किया जाता है, तो ऐसे में शहर को पानी उपलब्ध करवाना नगर परिषद और उसके अध्यक्ष का दायित्व तो है। अगर सोलन शहर में पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए भाजपा और भाजयुमो नगर परिषद का घेराव करें। शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष जतिन साहनी ने कहा कि भाजपा पानी को लेकर ओछी राजनीति कर रही है, क्योंकि नगर परिषद में भाजपा के 10 पार्षद हैं, उन्हीं का चेयरमैन है। नगर परिषद शहर में पानी की कमी के लिए जिम्मेदार है और यदि नगर परिषद लोगों को पानी देने में असमर्थ है तो उसके चेयरमैन को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। I'm going to go to the next slide.